मैं फाकोड़ी गांव के रामगढ़ जिला में रहता हूं। मेरा और मेरा गांव की मुख्य समस्या पेयजल की है। जब से टाटा और सिसल कंपनी 400 से लेकर 600 फीट तक गहराई करके कोयला निकाल रही है, तब से हमारे गांव में समस्या उत्पन्न हुई है। आइए मैं ले चलता हूं अपने समुदाय के पास। गंदा पानी में क्यों नहा रहे हैं? पानी के समस्या के कारण से ही गंदा पानी में नहा रहे हैं। कंपनी या सरकार तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है? यहाँ सामने टाटा कंपनी है, बगल में सीसीएल है, ये दोनों कंपनी ध्यान ही नहीं देता है। पानी का समस्या होते आ रहा है सब दिन। कंपनी जब से आई है यहाँ, तब से गोटे खदान कर दिले है, सब पानी सब टाइम ले जो चप्पा कल हमेशा आने जाए पड़ो है 2 किलोमीटर। शादी ब्याह में सिसल के पास जाते हैं पानी मांगने के लिए, तो बोलता है हाँ, वही भी आश्वासन देता है। टाटा कंपनी के पास जाते हैं तो वो भी बोलता है, एक सप्ताह पहले दरखास्त देने के लिए बोलता है, उसके बाद पानी मिलता है। दरखास्त देने के बाद भी कभी कभी पानी नहीं मिलता है। तो ये पानी कहाँ से आया है? टैंकर से आया है। तो महीना में कितना बार देता है पानी? सप्ताह में एक बार, कभी कभी देता है कभी नहीं देता है। तो मतलब क्यों लाए हैं पानी? कुएं में पानी नहीं तो नहीं, हम लोग का कुएं पूरा सूख गया। आपके यहाँ जो सिंटेक्स है, इसमें पानी कितना दिन से नहीं आया है? 5 साल से नहीं आया। और आपका यहाँ देखें चापा कल है, चापा कल कितने दिन से खराब है? 7 साल। पानी कम भे गए तो पानी सूखा गए, तो पानी हमें 2 किलोमीटर जा पर पानी लाएगा। मैं फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि मेरे गांव की जो बदहाली हुई है, ऐसा और कोई गांव में ना हो। मैं आम जनता से अपील करता हूं कि टाटा और सिसल कंपनी के ऊपर दबाव बनाएं, ताकि हम जमीन मालिक को पीने योग्य पानी मिल सके। मैं मोहन भुइयां, जिला रामगढ़, झारखंड से, इंडिया अनट के लिए।